नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वायरल हरियाणा के माध्यम से। हमने आपको लगातार एक खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा था एक सौरव, जी हाँ, जो कि विकलांग था और किस तरह से अपने पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। एक दुकानदार को जो है वो पैसे देता है जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है और 8,800 रुपये जो है उसका कहना था कि मेरे पेंडिंग है, 10,000 रुपये मुझसे ले लिए जाते हैं, जिसमें से 1,200 रुपये जो है वो दुकानदार उसको वापस कर देता है। लेकिन 8,800 रुपये का जो है आपने मामला ज़रूर देखा होगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो सौरव है वो यहाँ रहता है, किस तरह से, किस परिस्थितियों में जो है अपना गुजारा करता है, तो इनसे जानकारी लेंगे। हालांकि खबर चलने के बाद आप लोगों के जो है बहुत से मैसेजेस ज़रूर आए हैं और आप जानकारी लेना चाहते थे, आप इनकी हेल्प करना चाहते थे, तो जिसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे जानकारी लेंगे। और आप सभी से मैं अपील करूँगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा जैसे आपने पहले वाली खबर की है। सौरव, आपको आपके पैसे मिल गए हैं? हाँ जी, मिल गया मैम, 4,400 रुपये मिले हैं। 4,400? हाँ जी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? हाँ जी। आप 8,800 रुपये मांग रहे थे लगातार, 4,400 रुपये दिए हैं सोनू ने, तो ठीक है, आप कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, क्लियर हो गई साहब। क्लियर हो गया? हाँ जी। जो पैसे उसने काटे हैं वो कैसे काटे हैं? वो दवाई वगैरह के पैसे थे और हॉस्पिटल में एडमिट था, वो जो भी है वो सारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, तो आप खुश हो आप वो हिसाब से? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ आप अपना गुजारा कैसे करते हो, ये यहाँ पर कहाँ रहते हो आप? मैं तो जी यहाँ पे कंपना चावला पे मैंने झुग्गी बनवाई थी इससे सोनू से, और बांस मेरे मैं 300 रुपये के बांस लेके आया था, 600 रुपये की तरपाल आई है, और 700 रुपये का फोल्डिंग आया है, 500 रुपये की रजाई आई है मेरी, सर्दियाँ ऐसी काटी है मैंने, बारिश में बारिश भी आ जाती थी, तो निर्मल कुटिया वाले से मैं खाना खा लेता हूँ सवेरे शाम, सड़क पे ही रहता हूँ मैं, सड़क पे ही सोता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अगर आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में कोई है? मेरे मम्मी पापा की तो डेथ हो गई है, मम्मी को 8 साल हो गया, 7 साल 8 साल। अच्छा। और पापा की तो कोई याद नहीं है। अच्छा, बहुत साल हो गए। मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में, 2 भाई और है मेरे, वो मेरे को, वो एक तो किराए पे रहता है ऐसे शिव कॉलोनी में। अच्छा। उसका मेरे को कोई पता नहीं है। अच्छा। और एक मेरा बड़ा भाई है रजिंदर, वो मेरे को रखता नहीं, घर हाँ घर 50 गज का वो प्लाट है, 2 मकान बने हुए हैं, ना तो मेरा हिस्सा देता है। अच्छा। और ना मेरे को रखता है। तो फिर आप मैं झुग्गी में रहते हैं आप? हाँ जी। क्या कहना चाह रहे हो? मैं जब भी घर जाता हूँ झगड़ा करके मेरे को मार पीट के भगा देता है, प्लस्तर हो रहा था मेरे को, जब भी मेरे को मार के, डीसी साहब ने मेरे को एम्बुलेंस में भिजवाया, भाई इसको घर छोड़ के आओ, मेरे पैर पे प्लस्तर हो रहा था जहाँ तक। किसने मारा था आपको? मेरे बड़े भाई ने मारा, पैर पे प्लस्तर होए भी। अच्छा अच्छा, तो आपको चोट आ गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, इसका प्लास्टर हुआ था? हाँ जी, एक्टिव वाली मेरे को मार के चली गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आपकी खबर बहुत ज़्यादा शेयर हुई है, इस वजह से जो है आपके इस पर भी जो है कार्रवाई कर दी गई है, आपको पैसे दिलवा दिए गए हैं, लोगों को धन्यवाद करना चाहोगे इसके लिए? हाँ जी, बहुत 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 धन्यवाद। कितने कितने दिनों से आप ऐसे चक्कर पे चक्कर काट रहे थे सोनू के कि मेरे पैसे दे दे, कितने दिन हो चुके थे? अभी 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 बोल रहा इसको तो मैंने, जब अनिल विज आया, अनिल विज से मैं पहुँचा था अनिल विज के पास OPD में, OPD के बाहर ही मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी और पुलिस वालों ने, अनिल विज ने शीशा खोला गाड़ी का, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी, मैं बात नहीं कर पाया, मैं आ गया फिर। तो अपनी इसी डिमांड को लेकर आप अनिल विज से मिलने के लिए पहुंचे थे कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है सोनू? हाँ जी, अनिल विज ने फिर वीडियो वाले भेजे बाहर, उन्होंने इनसे बात करी है, सोनू ने बोला हाँ भाई मैं दे दूँगा, फिर उसके बाद भी मेरे को बोला मैं देता हूँ ये है वो है, फिर मैं मेरे प्रधान है विकलांग कल्याण समिति, उनको बुलाया मैंने, तो उन्होंने आके वीडियो देखी, आके उन्होंने बोला इसके पैसे दे भाई, खूब झगड़ा होया, बहस बसाई हुई, और आज फिर मैं सिविल थाने में अभी 4 बजे आया हूँ वहाँ से, आज फाइनल होया। आज फाइनल।
पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी। हाँ जी, तब जाके पैसे दिए। हाँ जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार हमने ये खबर को जो है के बाद मेरे को दिखता भी नहीं, रात को 7 बजे के बाद नहीं दिखता है। हाँ जी, अंदाजे से चलता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो आप मत जाया करो 7 बजे के बाद बाहर। तो बिल्कुल हम भी इनको सलाह देंगे, जैसा कि इनका कहना है कि रात को 7 बजे के बाद जो है इनको दिखाई नहीं देता है, और आप देख सकते हैं कैसी परिस्थिति में जो है ये अपनी जिंदगी काट रहा है। आपकी उम्र क्या है सौरभ? 25 साल। 25 साल है आपकी उम्र? हाँ जी। तो देख सकते हैं महज 25 साल उम्र है इनकी, और किस तरह से झुग्गी में जो है ये रहता है, कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कह रहे हो सौरभ? सोनू नाम का जो अब इसने बोला है, मैंने जब भी यहाँ पे रेडी लगाऊंगा झुग्गी हटानी है, मैं कहाँ पे जाऊंगा? अच्छा, आप क्या, आपको क्या धमकी दे रहे हैं? झुग्गी हटानी है, जब मैं यहाँ पे रेडी लगाऊंगा झुग्गी हटानी पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ पे रेडी लगाएगा? यहाँ पे रेडी लगा, जब लगाऊंगा मैं झुग्गी हटानी पड़ेगी तुमने। अच्छा, तो देख सकते हैं किस तरह से जो है सौरभ यहाँ पर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा है। आप सभी से मैं अपील करूंगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। आज के बाद तो किसी को किसी पे भरोसा नहीं करोगे सौरभ? नहीं जी, आज के बाद मैं तो आज के बाद किस से बात भी नहीं करूंगा, ना ही किसके पास बैठूंगा। हाँ। पहले भी नहीं बैठता था मैं तो। अच्छा। हाँ जी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, मैं बीमार हो गया था इसलिए इसके पास बैठने लगा। मेरे को पता नहीं था ऐसा हो जाएगा तेरे साथ। हाँ जी, लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए आज के टाइम पे? हाँ जी, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए आज के टाइम में। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसा कि इनका कहना है कि आज के टाइम पर किसी पर भी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। सौरभ की कहानी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से सौरभ के जो है 10,000 रुपये एक दुकानदार ने जो है रख लिए थे, और काफ़ी दिनों से जो है सौरभ परेशान ज़रूर हो रहा था। हालांकि अनिल विज जो है करनाल पहुंचे थे, उनसे मिलने का भी प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन तब भी जो है यह मिल नहीं पाया था। फिर उसके बाद हमने आपको लगातार जो है इसकी खबर दिखाई, तो आप देख सकते हैं उसके पैसे हालाँकि अब 4,400 रुपये वापस कर दिए गए हैं, जिससे सौरभ संतुष्ट ज़रूर है। जी हाँ, संतुष्ट ज़रूर है, क्योंकि इनका कहना है कि बाकी के जो पैसे हैं वो मेरे खर्चे के इलाज में जो थे वो कट गए हैं, लेकिन 4,400 रुपये लेकर अब सौरभ संतुष्ट ज़रूर है, और एक मैसेज देता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है कि कभी भी जो है किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखा आपने किस तरह से जो है ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान है, हालांकि घर में भाई ज़रूर है, लेकिन वो भी इसको नहीं रखता है इस झुग्गी में। जी हाँ, इस झुग्गी में ये रहता है, निर्मल कुटिया से जो है ये खाना खाता है, और अभी इसको ये डर बना हुआ है कि मेरी झुग्गी भी जो है कहीं ना कहीं तुड़वा दी जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि इनकी मदद करे तो वो भी ज़रूर सामने आ सकते हैं, हम आपकी बातचीत ज़रूर इनसे करवा देंगे, और किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर सामने आइए। आप सभी से अपील करूंगी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप पे जो है ये इल्ज़ाम भी लगाए गए थे कि आप लड़कियां छेड़ते हो, गाने बजाते हो जब लड़कियां आपके पास से गुजरती है। नहीं मैम जी, गाने ज़रूर बजाता हूं, उससे मैं अपना टाइम पास करता हूं। जहां पे अभी वो मोनू लो बैठता हूं। अच्छा, लड़के नहीं छेड़ते। जिस मर्जी से पूछ लो, अगर मेरी गलती होए तो मेरे को बता देना। अच्छा, आपने जो फोन लिया था उसमें गाने बजाते थे आप? नहीं जी, स्पीकर है, अपना टाइम पास करने के लिए आपने वो रखा है? वो भी उसके नहीं, लड़की से। हाँ पक्का है, जिस मर्जी से पूछ लो आप, पूरी मार्केट में जितने भी यहाँ पे मेडिकल है, ये स्टोर वगैरह, जिस मर्जी से पूछ लो, ये आप पे इल्जाम लगा रहे थे ना, मेरा सौरभ नाम है, जिस मर्जी पूछ लो, ये सौरभ नाम का कैसे रहता है यहाँ पे, किसी से छेड़खानी करता क्या नहीं करता? हाँ जी, नहीं जी, आज मेरे को दिखता ही नहीं है लड़की को, क्या छेड़ूंगा मैं ना, मैं चल पाता हूँ। हाँ जी, पक्की बात अभी है। नहीं, कुछ भी नशा नुशा तो नहीं? कुछ भी नशा नहीं है मेरे अंदर, जिस मर्जी पूरा ठेके जा पूछ लो शराब। हाँ जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, तो हम भी आप गवाह बनते हो इसके, नहीं छेड़ता लड़कियां। मैम हम 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ रनवैक शिलार नेसराल में, 4 साल तो उससे तो मैं भी देख रहा हूँ ये लड़की नहीं छेड़ता, ना आरोप लगाए गए थे। वो गलत है ना, तो ये बीड़ी सिगरेट पीता, ना कोई नशा करता, ये यहाँ पे मोनू ना ही है पास में, उसके पास जरूर बैठता है, वहाँ अपनी रिक्शा लेके एक बूफर है इसके पास, गाने गुने चला के रखता है, टाइम पास करता है,
बाकी ये गलत काम नहीं कर सकता, इतना तो हम भी कहते हैं। आज के बाद किसी को पैसे नहीं देने हैं सौरभ? नहीं दूंगा मैं आज के बाद, तो मैं बैठूंगा भी किसी के पास, जहाँ पे मैं बैठता हूँ वहीं पे ही बैठा रहता हूँ, चाहे वहाँ पे धूप हो छाए हो। और मैं ये मेरे को कह रहे हैं भाई, मैंने तेरे को दूध पिलाया, रोटी खवाई है, चिकन खवाया, अंडे खवाए हैं, ऐसे इसने कुछ नहीं करा, एक बार ही खवाया था इसने, वो भी मेरे पैसे, मेरे ही पैसे थे ये सर। कोई बात नहीं, जब हम भी कभी यहाँ से गुजरेंगे तो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप सभी से अपील करूंगी कि आप भी ज़रूर इसकी कब्र कीजिए, कम से कम इसका ये रहने का ठिकाना है, अगर यही गिरा देगा तो कहाँ रहेगा ये। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे सर। हम तो ये कहते हैं इसका भाई है जो बड़ा है, इसका परिवार है, इसको ले जाए अपने साथ रखे, हिंसा दे इसको, घर में रखे, जरूरी नहीं है दर दर की ठोकर खुवानी, क्योंकि सगे भाई है, दो भाई हैं इसके, चलो छोटा नहीं रखता बड़ा तो रखो, कम से कम परिवार तो है, खून तो है उसका, उनका उसके साथ रहना चाहिए इसको, उनके अपने पास रखना चाहिए उसको। हम कोशिश करेंगे इनके भाई से भी जरूर बात, भाई इसको अपने पास रखे। हम चाहते हैं कि हम आपके भाई से भी एक बार बात करके देखें कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी चाहोगे, चलोगे हमारे साथ अगर आपके भाई के पास जाएंगे हम बातचीत करने के लिए? हाँ जी चलूंगा मैं। चलोगे? हाँ जी। चलिए ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके इसकी मदद की जा सके, और आपसे भी मैं अपील करूंगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करके इसकी मदद की जाए। आप सभी से अपील, इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के करनाल से, मैं अंजलि राठी, वायरल हरियाणा, धन्यवाद।